हाय गाइस, तो आज हम करेंगे डीजीसी 6 का ब्लॉक 2 यूनिट 1। ब्लॉक 2 इज अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट और यूनिट 1 है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेज। ठीक है, सो यूनिट 1 कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही है कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा और खत्म हो जाएगी। सो कॉन्फ्लिक्ट इज इनकम्पैटिबल बिहेवियर बिटवीन पार्टीज हुज इंटरेस्ट डिफर। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक तरह से हो गया लड़ाई। लड़ाई किस वजह से होती है? भसड़ की वजह से। भसड़ को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, सो अगर कोई दो इंसान है उनका आपस में नहीं जो इंटरेस्ट है वो मैच कर रहा है, या फिर जो उनकी बातें में दूसरे को समझ नहीं आ रही या समझना नहीं चाह रहे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है? विद इन इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, बिटवीन ग्रुप्स, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंसान इंसान के बीच में होता है या खुद से हो जाता है या खुद से एक ग्रुप के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, ग्रुप्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ग्रुप्स की आपस में। ठीक है, सो ये कितने भी हो सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन सोर्सेज इन कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होता है? सो सोर्सेज इन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी ऑफ गोल्स। अगर जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो कम हैं तो उसके लिए आपकी जो लड़ाइयाँ आपस में वो हो सकती हैं। अगर आपका जो गोल है वो अलग है तो आपकी लड़ाई हो सकती है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो। टास्क इंटरडिपेंडेंस, ये तीन तरह का होता है, पूल्ड, सिक्वेंशियल और रेसिप्रोकल। सो टास्क इंटरडिपेंडेंस मतलब कि अगर दो बंदों को एक ही काम करना है या फिर एक का काम दूसरे के काम से थोड़ा सा मिक्स हो रखा है तो वहाँ पर दोनों की लड़ाई हो सकती है। सो पूल्ड इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है? वेन टू ग्रुप्स विच डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली आर अफेक्टेड बाय ईच अदर्स एक्शन। ठीक है, सो मान लो दो ग्रुप्स हैं, एक को लेमनेड बनाना है और एक को लेमन सोडा बनाना है। ठीक है, तो उन दोनों की जो चीज़ एक बेसिक है वो लेमन है और उन दोनों को अपना अपना सेल करना है। सो वैसे दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अपना सेल कर रहे हैं, बट यही है कि अगर किसी के एक के दिमाग में बात आ गई कि इसके मैं लेमन ही उठा लेता हूँ सारे, तो इसका कुछ बिकेगा ही नहीं। जब लेमन ही नहीं होगा तो लेमन सोडा कहाँ से बनाएगा, या लेमन ही नहीं होगा तो लेमनेड कहाँ से बनाएगा, तो वहाँ पे उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये पूल्ड इंटरडिपेंडेंस हो गई। सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस अकर्स व्हेन वन ग्रुप्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन अनदर ग्रुप्स प्रायर परफॉर्मेंस। जो रिले रेस होती है, रिले रेस में अगर आप बेशक अच्छा दौड़ते हो बट आप सेकंड नंबर पर, जो फर्स्ट नंबर वाला है वो बीच में गिर गया या वो 100% नहीं दे पाया, तो उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस अकर्स व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन अकॉम्प्लिशिंग देयर टास्क। ठीक है, सो जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एक टास्क कंप्लीट करने में, मतलब 50% आप कंप्लीट कर रहे हो, 50% वो इन ऑर्डर टू गिव 100%, तो ये रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस होती है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा डिफरेंस इन वैल्यूज एंड परसेप्शन, आपका अगर पर्सपेक्टिव या परसेप्शन सेम नहीं है किसी चीज़ को लेके तो कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद अराइज हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिग्यूटीज की वजह से हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, अगर कुछ चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेटिव नेचर नहीं है और आप कुछ छुपा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। एग्रेसिव नेचर ऑफ पीपल, लोगों का जो बिहेवियर है अगर अच्छा नहीं है तो अराइज हो सकता है। सो यूनिट 1 खत्म। यूनिट 2 इज डायमेंशंस एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 5 हैं, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट इज हु एंड हाउ मैनी पार्टीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट के डायमेंशंस का मतलब है कि कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो कौन और कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी, वट आर द सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वट इज इट ओवर, किस चीज पे था, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनकी आपस में क्या रिलेशन है दूसरे से, वट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, द प्रोसेस, हाउ डू वी चूज टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, किस वजह से हुआ, उन दोनों में पहले का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। देन मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शो अप इन सेवरल वेज। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत तरीके से हो सकता है, ये कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही है।
disputes, competition, sabotage, low morale, withholding knowledge, diffusion of more serious conflicts, stimulation of a search for new facts or resolutions, increase in group cohesion and performance, assessment of power or ability, mental health concerns, decrease in productivity, members leaving organization, violence, inspire creativity, share and respecting opinion, improving future communication, identifying new members. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है. अगर आप कोशिश करते हो कि कुछ भी अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो लड़ाई, मतलब आप जिसने लड़ाई करनी है उसे करनी है, उसको टॉपिक नहीं चाहिए होता लड़ाई करने के लिए. ठीक है, सो कुछ लोगों की आदत होती है, चुल होती है कुछ कि अगले का काम खराब करना है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट तभी क्रिएट होता है जब अगला आपके बात से सहमत ना हो या फिर सुनना ना चाहता हो. ठीक है, सो अगर किसी को सुनना ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अराइज होगा ही होगा. ठीक है, तो ऐसे में या तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाओ और या फिर सीधा उसको इग्नोर कर दो. ठीक है, सो यूनिट टू एंड यूनिट थ्री इज फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. सो कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पे फेज बता रखे हैं. सो देर आर फाइव फेजेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहला है स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फैक्टर्स विच गिव राइज टू अ कॉन्फ्लिक्ट आर एग्जाम्पल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफरेंसेज इन इंटरेस्ट, डिसिमिलैरिटी इन कल्चर, रिलीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड. ठीक है, सो सबसे पहले जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका स्टार्ट होता है कुछ फैक्टर्स से, जो कि ये या कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद होता है ट्रिगरिंग इवेंट. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट डजंट बिगिन ऑन देयर ओन, देयर हैज टू बी एन इवेंट या फिर कोई फैक्टर. ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप नहीं खड़ा होगा, वहां पे कोई ना कोई इवेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा या किसी एक फैक्टर की वजह से होगा. ठीक है, फिर इनिशिएशन फेज. सो वंस ट्रिगरिंग हैज बीन डन, इनिशिएशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलरेडी बिगन. एंड एग्जाम्पल हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, अब्यूज या डिसएग्रीमेंट होना यहाँ पे शुरू हो जाता है. फोर्थ इज डिफरेंसिएशन फेज, जहाँ पे पीपल वॉइस आउट देयर डिफरेंसेस अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, एक बार पता लग गया कि लड़ाई हो रही है तो उसके बाद वो जो भी उनके मन में वो निकालना शुरू कर देते हैं. लास्ट इज रेजोल्यूशन फेज, कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू नो वेयर एंड द ओनली सोल्यूशन इज दैट आइदर यू मस्ट कॉम्प्रोमाइज, और या फिर आपका फिर से वही रहता है कि आप खत्म कर देते हो बात आपस में. ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन. सो अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट गिव्स, देर आर सम पॉजिटिव रिजोल्यूशंस ऑल्सो. सो यूनिटी आती है, मतलब अगर एक कंपनी में बहस हो रही है तो दो टीम्स में होती है मोस्टली. सो दो टीम्स में जिन लोगों में आपस में हो रही है उनमें आपस में यूनिटी होती है, वो एक साथ खड़े होते हैं किसी एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए. ट्रस्ट होता है जो आपकी साइड पे है, प्रेसिडेंट ऑलरेडी डन. एग्जाम्पल अगर किसी बात को लेके आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है तो वो एक एज एग्जाम्पल सेट होता है, एक तो कि ये बात का ये हल निकला है, ये सॉल्यूशन निकला है इस कॉन्फ्लिक्ट का, और प्लस जिन्होंने सुलझाई है उनका भी आगे फ्रंट पे आता है कि इसको हम एज अ टीम लीडर देख सकते हैं क्योंकि ही वॉज एबल टू रिजॉल्व अवर कॉन्फ्लिक्ट्स. प्रोडक्टिविटी, अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो अप्रिसिएशन होता है ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि इवन इफ योर ओपिनियन वॉज डिफरेंट फ्रॉम माइन, आई एम ग्लैड दैट यू पुट इट ऑन द टेबल. सो यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं. देन प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता रखा है बाय पॉन्डीज मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो उन्होंने ये बताया, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, परसीव कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, aftermath कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो सबसे पहले है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, विच इज लेटेंट का मतलब होता है हिडन. सो फैक्टर्स एग्जिस्ट विच माइट गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस ये बताने वाला है ये सेम यही चीज है, फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इस पूरी बुक को सिर्फ दो पेजेस में हम खत्म कर सकते थे बट नहीं, 100 पन्नों की बनानी है इसलिए कुछ भी लिखा हुआ है. सो अलग अलग नाम से हर चीज को बता रखा है. ठीक है, तो बस पढ़ लो. लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट इज फैक्टर या कोई भी इवेंट जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, पीपल आर अवेयर दैट अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट एंड द अदर पार्टी में फ्रस्ट्रेट वंस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. ठीक है, सो यहाँ पे आपका हिडन कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे परसीव्ड का मतलब है कि जो दूसरी पार्टी उसको पता लग जाता है कि यहाँ इस बात की वजह से अगले वाले को चूल हो सकती है और वो बखेड़ा खड़ा कर सकता है. ठीक है, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, पार्टीज
parties know already and are emotionally aware, giving rise to anxiety and stress. ठीक है, so perceive अगर हो गया, आपको पता लग गया है कि अगला बहस कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, आप उसको फील करना शुरू कर देते हैं कि अगर अगला लड़ाई के लिए लठ वगैरह लेके आ सकता है तो आपको वहाँ पर डर लगने लग जाता है या फिर आपको एंजाइटी होती है. फोर्थ इज मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. ओपन ऑब्जर्वेबल कॉन्फ्लिक्ट इज विजिबल. सो आपको दिख रहा है कि सामने से वो लोग लेके आ रहे हैं, लड़के वड़के बुला के लेके आ रहे हैं, लड़ाई होने वाली है. लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट आफ्टरमैथ. जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टू ग्रुप डिससॉल्यूशन, इसका मतलब है रीचिंग टू लेवल वन. सो इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व, उसके बाद ज्यादा कुछ बहस नहीं होती. बट अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं होता है तो फिर से कुछ ऐसे लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे बाहर आ जाते हैं जिसकी वजह से दोबारा से लड़ाई छिड़ने की पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट तभी रिजोल्व हो पाएगा अगर आपकी लड़ाई करने की नौबत नहीं आ रही है. अगर उनकी लड़ाई करने की नौबत आ चुकी है तो इसका मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा उसमें जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं उनको पर्सनल ग्रजेज हैं. ठीक है, वरना अगर किसी को बात करनी होती है, समझनी होती है, तो वो बात करके भी समझ जाते हैं. जहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है वहाँ पे पर्सनल ग्रजेज आ जाते हैं. ठीक है, देन डोनाल्डसन फोरसेथ ने भी प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक अपनी एक स्टेज ये बताया था प्रोसेस. सो रूटीन ग्रुप इंटरेक्शन में डिसएग्रीमेंट, कन्फ्रंटेशन, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, रिजोल्यूशन. ठीक है, सो इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, वैसे ही समझ जाओ कि पहले आप डिसएग्रीमेंट करोगे किसी बात से, फिर आप कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे कि चाहते क्या हो. एस्केलेशन होगा, डी एस्केलेशन होगा, बातों में ऊपर नीचे मन मुटाव होता रहेगा, और लास्ट में आप एक रिजोल्यूशन पे, एक सॉल्यूशन पे पहुंचोगे. ठीक है, और अगर नहीं पहुंचोगे तो दोबारा से आपका डिसएग्रीमेंट होगा, ये साइकिल गोज ऑन. देन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. सो एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट होता है विच लीड्स टू इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी, एंड इट हेल्प्स इन ओपनिंग पॉसिबिलिटीज फॉर हायर परफॉर्मेंस. ठीक है, जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है इट इज़ एन अनहेल्दी डिसएग्रीमेंट विच लीड्स टू एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाइयाँ. इट इज़ आइदर अ विन लूज सिचुएशन और अ लूज लूज गेम. ठीक है, फंक्शनल आपका हेल्दी एग्रीमेंट होता है, डिसफंक्शनल आपका अनहेल्दी होता है. हाउ टू फाइंड फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. सो आपको कैसे पता लग सकता है कि अगर कोई हेल्दी डिसएग्रीमेंट होने वाला है अनहेल्दी. सो जो हेल्दी डिसएग्रीमेंट होने वाला होता है उसमें नॉर्मली बात कम होती है और टोन से भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपका टोन लो है, आप शांत हो, तो वहाँ पे हेल्दी डिसएग्रीमेंट ही होगा. अगर आपका टोन हाई है और आपको सुननी ही नहीं अगले की बात, वहाँ पे पक्का लड़ाई होती है. पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट हॉस्टाइल टू इच अदर. पॉइंट ही वही है, अगर वो हॉस्टाइल है या नहीं है, आउटकम नेगेटिव. किसी अगर किसी एक पार्टी के लिए जो आउटकम है वो नेगेटिव हो सकती है तो भी लड़ाई के चांसेस होते हैं. इज एनर्जी बींग डाइवर्टेड फ्रॉम गोल अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब कि गोल को छोड़ दिया आपने, बस आपको लड़ाई करनी है इसलिए आप वहाँ पर बैठे हुए हो. डू द पोटेंशियल लूजेज एक्सीड एनी पोटेंशियल गेंस. सो सॉरी लॉसेज एक्सीड एनी पोटेंशियल गेंस. सो अगर किसी को ज़्यादा ही जिसकी हार हो रही है उसका उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, या अगले को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, फ़ायदा और नुकसान की बात. सो इसके बेसिस पर पता लगा सकते हो कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. ठीक है, देन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं. पॉजिटिव क्या है, इट लीड्स टू न्यू आइडियाज, इट स्टिम्युलेट्स क्रिएटिविटी, मोटिवेट्स चेंज, प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशनल वाइटलिटी, हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एस्टेब्लिश आइडेंटिटीज, सर्व्स एज अ सेफ्टी वॉल्व टू इंडिकेट प्रॉब्लम बिहेवियर्स. नेगेटिव्स हैं, डाइवर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वर्क, थ्रेटन्स साइकोलॉजिकल वेलबींग, वेस्ट रिसोर्सेज, क्रिएट्स नेगेटिव क्लाइमेट, ब्रेक्स डाउन ग्रुप कोहेशन, कैन इंक्रीज हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिवनेस. ठीक है, सो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ आया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकते हैं. ये असाइनमेंट में भी पूछा हुआ है तो आप यहाँ से लिख सकते हो अगर अभी तक तो नहीं बनाया असाइनमेंट और सबमिट नहीं करें. यूनिट 3 खत्म. यूनिट 4 इज लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो डचेस प्रपोज 6 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. फिर उन्होंने अपनी फिर से अलग थ्योरी निकाली थी. वेरिडिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऑनेस्ट बट डिफिकल्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. सो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पहला है जिसमें आप सही होते हो और सच्चे होते हो बट आपका जो ओपिनियन होता है दोनों का वो अलग होता है और डिफरेंट होता है. ठीक है, फिर कॉन्टिनजेंट
पता नहीं कॉन्टिंजेंट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्वेबल बट पार्टीज आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ठीक है, सो आप दोनों ही किसी एक बात पे लड़ रहे हो बट आपको उसका सॉल्यूशन पता नहीं है. सो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है. किसने बनाया ये वर्ड? डिस्प्लेस्ड कॉन्फ्लिक्ट फेल्स टू आइडेंटिफाई रियल इशूज एंड फाइट ऑन सेकेंडरी इशूज. ठीक है, सो डिस्प्लेस्ड कॉन्फ्लिक्ट वो हो गया जिसमें आप मेन बात पर नहीं लड़ रहे हो बट साइड वाली बातों पर लड़ने पर लगे हुए हो. मिस एट्रीब्यूटेड कॉन्फ्लिक्ट असाइनिंग ऑफ रॉन्ग रीजन टू कॉन्फ्लिक्ट. सो आपको पता ही नहीं हम गलत उसकी वजह से किसी ने आपका बहला फुसला दिया उसकी वजह से लड़ रहे हो. लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट फेलियर टू रिकॉग्नाइज अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट्स. सो हिडन कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया. ठीक है, सो आपको पता ही नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहा है. फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट विदाउट बेसिस कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पुअर जजमेंट. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट को आप फिर से डिवाइड कर सकते हो. ये हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं बट फिर से इन्होंने पेज भरने के लिए बता रखा था. इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंटर ग्रुप इंटर पर्सनल इंट्रापर्सनल इंटर रोल पर्सनल. ठीक है, सो उसमें इन्होंने नीचे से ऊपर बता रखा था, यहाँ पे उसने ऊपर से नीचे से बता दिया है. ठीक है, थोड़ा सा इंटर भी हो गया. इंटर मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ग्रुप के बीच में. देन कंडीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बता दिए थे उन्होंने पीछे की क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट की वजह हो सकती है. उसके अलावा फिर से MBGS jurisdiction, goal incompatibility and conflict of interest, communication barriers, dependence, differentiation in organization, association of parties and specification, behavior regulation, unresolved prior conflicts. ठीक है, elements of conflict क्या हो सकते हैं? power, organizational demands, worth. ठीक है, मतलब conflict में जो चीजें ज्यादा हावी हो सकती हैं, जिसके लिए मोस्टली लड़ाइयाँ होती हैं, पावर के लिए, वर्थ के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स के लिए. ठीक है, देन कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्स करने के तरीके टर्नर वीड ने बताए थे 1983 में. सबसे पहला है एड्रेसर. सो एड्रेसर में दो टाइप है, जो फर्स्ट स्टेपर्स होते हैं और दूसरे जो कन्फ्रंटर्स होते हैं. जो फर्स्ट स्टेपर्स होते हैं, दे बिलीव दैट सम ट्रस्ट हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है सो उसमें पहले कुछ एड्रेसर होंगे जो पहले ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिसमें अगले को लगेगी उसका भी फायदा और आपका तो है ही. ठीक है, और सेकंड होते हैं कन्फ्रंटर्स, जो उनको समझाने के लिए कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ कि देखो बात ये तो है, तो हम जानते हैं कि गलती हमसे हुई है बट. ठीक है, तो उसके बाद वो आगे क्या कर सकते हैं. सेकेंड है कंसीलर्स, जिसमें तीन होते हैं, फीलिंग स्वॉलोवर्स. ठीक है, स्माइल इवन इफ दे आर इन पेन. सो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपको पता है कि अगले की गलती है बट स्टिल आप वो आपको थोड़ा टॉन्ट मारने की कोशिश करता है बट स्टिल आप उसको दिखाते नहीं हो कि आपको बुरा लगा या कुछ भी है. सो फीलिंग सॉल्वर्स, सब्जेक्ट चेंजेस, रियल इशू टू डिफिकल्ट टू हैंडल. सो अगर कॉन्फ्लिक्ट में दो बंदों की लड़ाई हो रही है और एक को लग रहा है कि उसकी हार होने वाली है या उसके बस की नहीं है तो वो सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं. थर्ड इज अवॉइडर्स, गो देयर वे आउट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. सो अगर उनको लड़ाई में बैठना ही नहीं है या उनको दिख रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का अगर आज उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो दे माइट ट्राई टू अवॉइड इट. ठीक है, थर्ड है अटैकर्स. अटैकर्स में दो तरीके हैं, या तो अपफ्रंट सामने से अटैक करेंगे या बिहाइंड द बैक अटैक करेंगे. ठीक है, फिर कम्युनिकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट, फिर से वही कि कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस क्या हैं. तो कम्युनिकेशन क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो अनसर्टेनिटी के चांसेस होते हैं. शेयरिंग रिसोर्सेज, कंपनीज विद लिमिटेड रिसोर्स अगर शेयर कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. पुअर टीम वर्क, अगर टीम वर्क पुअर है तो आपका कम्युनिकेशन अगर नहीं है बिल्कुल भी है थोड़ा कम है तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. र्यूमर्स और गॉसिप, फेक इन्फो की वजह से कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. फिर से यहाँ पे कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता रखे हैं, डिफरेंट वैल्यूज, अपोजिंग इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, पुअर कम्युनिकेशन एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स. ठीक है, देन यहाँ पे बात करी गई है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की. सो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव सेम एज फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है ये वाले. सो जो डिस्ट्रक्टिव होगा इसमें से किसी एक का बेनिफिट हो रहा होगा, इशू रिजॉल्व नहीं होगा, नया कॉन्फ्लिक्ट माइट राइज, कम्युनिकेशन मिस होगा, डिमिसकम्युनिकेशन, डिबेट्स होंगी, ब्लेम गेम खेलेंगे. सो ऐसे दोनों में देखो,
डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव में, ये इसमें किसी एक का फायदा होगा, इसमें दोनों का होगा, इसमें इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा, इसमें रिजॉल्व होगा, इसमें नया कॉन्फ्लिक्ट माइट राइज होगा, इसमें एक खत्म होगा, इसमें मिसकम्युनिकेशन होगा, इसमें ओपन कम्युनिकेशन होगा, इसमें डिबेट होगी, इसमें डिस्कशन होगा, ब्लेम गेम खेलेंगे यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा, यहाँ पे डैमेज करेंगे रिलेशनशिप को, यहाँ पे एम्पावर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, यहाँ पे आएगी फीलिंग ऑफ बींग जस्ट, यहाँ पे आएगी फीलिंग ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे होगी नो रिस्पेक्ट, यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, यहाँ पे नो ट्रस्ट नो लॉयल्टी, यहाँ पे ट्रस्ट और लॉयल्टी होगी, ठीक है। सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉइंट्स मैंने खुद से लिखे हैं थोड़े से, सो आप भी लिख के आ सकते हो, ज्यादा कुछ वैसी बात नहीं है। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फिर से बता रखे हैं, बकवास थे, मैंने नहीं लिखे, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रा टीम, इंटर टीम, सेम बातें लिखी हुई हैं, मजा ही आ गए। सो ये राइटिंग मेरी अच्छी लग रही है, सही में अच्छी लग रही है। ओके, सो ब्लॉक 2 इज ओवर, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 3 और DGC 6 निपटा देंगे। बाय।